हमने एक पहले प्रकरण में देखा था कि कैसे हम मानव सक्रिय रूप से सौर्यमंडल में जीवन की खोज कर रहे हैं आज अधिकतर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि सरल जैविक वस्तुएं जैसे कि किसी प्रकार के सूक्षमाणु माइक्रोब्स कहीं भी विकसित हो सकते हैं जहां तरल पानी मौजूद है हमारे सौर्यमंडल में उन सभी पिंडों की तहकीकात करना जहां हम मानते हैं तरल पानी मौजूद है बहुत ही महंगा प्रस्ताव है जो सरकारी और निजी उद्यमियों से अत्यधिक वित्तीय निवेश मांगता है परंतु अब ऐसा लगता है कि अगले कुछ दशकों में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य जगह पर सूक्ष्मणु जीवन का प्रमाण हमें मिल जाएगा पर तरल पानी और सूक्ष्मणुओं की खोज बुद्धिमान जीवन इंटेलिजेंट लाइफ की खोज से बहुत अलग है शायद हम सभी ने कभी ना कभी अलौकिक जीवों एलियंस की कल्पना की है और अजीबोगरीब जीव तो कल्पित विज्ञान की कहानियों का आधार है परंतु क्या हम अन्य सभ्यताओं की खोज के प्रश्न को एक वैज्ञानिक तरीके से हल कर सकते हैं क्या हम इन अलौकिक जीवों से संपर्क बनाने के लिए अंतरिक्ष में कोई संदेश भेज सकते हैं और यदि हां तो वह संदेश क्या हो यह प्रश्न काल्पनिक नहीं है वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से इनका उत्तर मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी शोध जारी है क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं 1961 में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की सबसे पहली कोशिश की थी फ्रैंक ड्रेक नामक खगोलशास्त्री ने उसने सबसे पहले बुद्धिमान जीवन की परिभाषा दी वो सभ्यता जो अंतरिक्ष में संकेत सिग्नल भेजकर संचार स्थापित करने के काबिल है जो काबिलियत हम मनुष्यों ने 20वीं शताब्दी के खत्म होने तक सीख ली थी यह पता लगाने के लिए कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी में एक समय पर कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं ड्रेक ने एक समीकरण इक्वेशन को रचा ड्रेक द्वारा दिए गए समीकरण को हम एक छलनी या फिल्टरों की श्रृंखला की उपमा से समझ सकते हैं सबसे पहले हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं ताकि हम अंदाज़ा लगा पाएं कि कितनी सभ्यताएं हमसे संचार स्थापित कर सकती हैं आकाशगंगा में मौजूद तारों के इस अनुमान पर हम फिर पहली छलनी या फिल्टर लगाते हैं ताकि हम आंक पाएं कि कितने ग्रह इन तारों के आवासीय क्षेत्र हैबिटेबल जोन में उपस्थित हैं जिनमें जैविक वस्तुओं के विकसित होने के लिए उचित तापमान और अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं दूसरी छलनी हमें इन आवास योग्य ग्रहों में से कितने ग्रहों पर जीवन विकसित हो सकता है इसका अनुमान लगाने में मदद करती है और तीसरी छलनी आंकती है कि इनमें से कितने ग्रहों में बुद्धिमान जीवन विकसित हो सकता है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आखिरी छलनी हमें बताती है कि ऐसी कितनी बुद्धिमान सभ्यताएं खुद को नष्ट करे बिना इतनी देर कायम रह सकती हैं कि वो अंतरिक्ष में अन्य सभ्यताओं को संकेत भेजने में सक्षम बने इस समीकरण का प्रयोग कर एक अविश्वसनीय अनुमान हमें बताता है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग चार या पांच हजार ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जहां बुद्धिमान जीवन विकसित हो चुका है वैज्ञानिक आज फ्रैंक ड्रेक समीकरण का प्रयोग इस रूप में नहीं करते इस समीकरण का प्रयोग कर हम एक परिशुद्ध उत्तर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं पर फिर भी यह समीकरण बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसने हमें अलौकिक बुद्धिमान जीवन की खोज जैसी एक असंचरित समस्या अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सुलझाने की वैज्ञानिक विधि सुझाई सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल इंटेलिजेंस या से उपक्रम वैज्ञानिकों और विज्ञान संबंधित संगठनों का एक समूह है जो इस प्रश्न के भिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है सीटी बड़े रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग कर अंतरिक्ष में अन्य सभ्यताओं के द्वारा भेजे गए रेडियो संकेत ढूंढ रहा है सीटी एट होम नामक योजना किसी भी व्यक्ति को अलौकिक जीवन की खोज में भागीदारी का अवसर देती है मानव निर्मित अनुसंधान यंत्र स्पेस प्रोब्स जैसे वोएजर और पाइनियर सौरमंडल से भी आगे गहरे अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं जबकि किसी अलौकिक सभ्यता की इन यंत्रों को पकड़ने की संभावना बहुत ही कम है इनके निर्माताओं ने इनमें भिन्न मैत्री संदेश डाले हैं उदाहरणतः अंतरिक्ष यंत्र में संदेशों का एक संग्रह है जिसको गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है और इसको रचा था विशिष्ट खगोलशास्त्री सेगन और उनकी टीम ने यह रिकॉर्डेड संदेश प्राप्तकर्ता को हमारी सभ्यता की संस्कृति और उन्नति की एक झलक देता है और इसमें भिन्न भाषाओं में अभिनंदन किस्म किस्म का संगीत और विभिन्न प्रकार के चित्र सम्मिलित हैं ब्रह्मांड में अलौकिक बुद्धिमान जीवन की खोज के क्षेत्र में कई कठिन परंतु दिलचस्प प्रश्न उठते हैं पृथ्वी पर मनुष्य का विकास कैसे हुआ और एग्जो वह ग्रह जो अन्य तारों की परिक्रमा कर रहे हैं उनकी खोज की प्रक्रिया से हम कैसे बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड के अन्य पिंडों में बुद्धिमान जीवन होने की कितनी संभावना है हम कैसे पहचान पाएंगे कि एक संकेत किसी और ग्रह के निवासियों के द्वारा भेजा गया है और अगर हम ऐसे संकेत को रिकॉर्ड कर पाए तो हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे हम ऐसे संकेत से कैसे जान पाएंगे कि इन अन्य जीवों का असल इरादा क्या है शांतिपूर्ण मैत्री या प्रभुत्व के लिए युद्ध अगर हमें लगता है कि इन अलौकिक बुद्धिमान जीवों की नियत खराब ही होगी और वे केवल युद्ध के लिए तत्पर होंगे तो क्या हमें दूर अंतरिक्ष में संकेत भेजना भी चाहिए या नहीं इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जो विशेषज्ञता चाहिए वो विज्ञान और अभियांत्रिकी से कहीं ज्यादा है ऐसे मौलिक सवालों का जवाब पाने के लिए हमें भाषा मानवशास्त्र राजनीति और अन्य विषयों के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी इससे भी ज्यादा क्योंकि अलौकिक बुद्धिमान जीवन की खोज के प्रश्न पर पूरी मानव सभ्यता का भविष्य निर्भर करता है ऐसी महत्वपूर्ण जवाबदेही के लिए सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है